और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार के मामले में सरयू राय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि कौन है अमित अग्रवाल और क्यों दे रहा था पैसे। आपको बता दूं, तमाम दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि राजीव कुमार जो अधिवक्ता हैं झारखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ रांची उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की थी। उन्होंने उस व्यवसायी से और जनहित याचिका वापस लेने के बदले पैसे की भी मांग की थी, और ये पैसे 10 करोड़ रुपए की मांग, ये जो पूरा मामला है उसमें था। उस पर सरयू राय ने एक बड़ा ट्वीट किया है, और आपको बता दें कि उन्होंने ये सवाल पूछा है कि कौन है अमित अग्रवाल जिसका इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है, और क्यों राजीव कुमार किस मुकदमे में उनसे पैसे लेने की बात कह रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज मिश्र न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है सरयू राय के ट्वीट के आने के बाद से कि अमित अग्रवाल कौन है, जबकि शेल कंपनी मामले में अमित अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो किससे पैसे मांग रहे थे राजीव कुमार? देखिए सुमित, झारखंड में कई सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये अमित अग्रवाल कौन है और किसका नजदीकी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज कई अखबारों में ये खबर छपी कि राजीव कुमार को जिस केस में अरेस्ट किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है, उसमें वो केस के बारे में कहा जाता है कि जो हेमंत सोरेन जो शेल कंपनी वाला मामला जो चल रहा था, कुल मिलाकर 3 केस हैं और उसमें अमित अग्रवाल का नाम था, और अपना नाम हटवाने के लिए अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को ऑफर दिया था कि इतना इतना कुछ पैसे की बातचीत हुई थी। तो ये आरोप है, लेकिन आज उस तीनों केस का ऑनलाइन डिटेल्स मैं निकाल रहा था, मेरे हाथ में है वो तीनों केस का डिटेल्स। एक है केस नंबर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 727/2022 है, जिसका फाइलिंग नंबर 1010/2022 है। 18 फरवरी को ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। इस केस में शिवशंकर शर्मा ने केस दायर किया है, जनहित याचिका लगाई है स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, माइंस डिपार्टमेंट के खिलाफ। इसमें हेमंत सोरेन है, पूजा सिंगल का नाम है, डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम है, CBI का नाम है, लेकिन इसमें कहीं भी कुल 8 लोग हैं, इसमें अमित अग्रवाल का नाम मुझे नहीं। बड़ा सवाल है पंकज जी, जब अमित अग्रवाल का इस पूरे मामले में लेना देना कुछ है ही नहीं, तो राजीव कुमार किस व्यक्ति से पैसे मांग रहे थे, किसको, किससे 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे? यही मूल सवाल है कि जो मीडिया में जो खबर प्लांट की जा रही है कि राजीव कुमार को किस केस के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई या पूछताछ किया जा रहा है, तो उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि एक अमित अग्रवाल नाम का कलकत्ता का व्यवसायी था और उसने अपना नाम किसी केस से हटाने के लिए राजीव कुमार को पैसे ऑफर किए थे और वो पैसे के साथ पकड़ाए हैं। हालांकि अभी तक कोलकाता की पुलिस ने एक भी पैसे के बारे में खुलासा नहीं किया कि कितने पैसे की बरामदगी हुई है, कितने पैसे के साथ ये पकड़ाए हैं। लेकिन फिर एक खबर मीडिया में प्लांट की जाए, कभी कोई कहता है कि NGT वाले मामले में, कभी कोई कहता है कि शेल कंपनी वाले मामले में अपना नाम हटवाना चाहता था। स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। इतना जरूर है कि आज सरयू राय ने एक बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि राजीव कुमार को बेवजह फंसाया जा रहा है, वो बेबुनियाद है ये पूरा मामला, उनकी गिरफ्तारी जो है वो ऐसे ही कर ली गई है बिना किसी ग्राउंड के, उनको फंसाया जा रहा है। जी देखिए, इतना तय है कि बंगाल पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है, CP हैं, मुरलीधर शर्मा उनका नाम है, उन्होंने पहले दिन ये जरूर कहा था कि हमें झारखंड पुलिस की ओर से इनपुट दी गई थी कि एक एडवोकेट है जिसके ऊपर कई केस चल रहे हैं झारखंड में और उसे हिरासत में लेना है पूछताछ के लिए। तो अगर झारखंड की तरफ से इनपुट मिला था बंगाल पुलिस को, तो आधार क्या है, और आधार को लेकर ही अभी तक सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि ना कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है, ना कोई आधिकारिक बयान आया है। आज तीसरा दिन है राजीव कुमार की गिरफ्तारी का। कभी कोई कहता है कि NGT वाला कोई केस चल रहा था, उसमें ये केस जनहित याचिका वापस लेने के लिए पैसे मांग रहे थे, कभी कोई एक ऑडियो रिलीज कर दिया जाता है। आज कई अखबारों में खबर छपती है कि शेल कंपनी वाले मामले में अमित अग्रवाल का नाम था और उस नाम को हटाने के लिए राजीव कुमार को पैसे ऑफर दिए गए थे, लेकिन जो कागज है, जो जिस कोर्ट में, जो कोर्ट के कागज है, उसमें तो कहा, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि शेल कंपनी वाले जो 2 केसेस हैं वो, उसमें तो अमित अग्रवाल का नाम है नहीं। एक तीसरा केस भी है सुमित,
लेकिन वो डिफंक्ट है अभी, डिफेक्टिव केस जिसको बोलते हैं, उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसमें 17वें नंबर पर अमित अग्रवाल का नाम है, लेकिन उसके ऊपर कई कई बड़े बड़े लोगों के नाम है, जिसमें हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन आदि सारे लोग हैं, मैं जो पूजा सिंघल है उनका भी नाम है। तो इन सारे लोगों को हटाकर सिर्फ एक ऐसे केस के लिए अमित अग्रवाल क्यों राजीव कुमार को पैसे ऑफर करेगा, जिसकी अभी सुनवाई ही नहीं हो रही है। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरयू राय ने एक के बाद एक ट्वीट करके राजनीति सरगर्मी जो है झारखंड की वो बढ़ा दी है, और उन्होंने एक सवाल सीधा सीधा पूछा है कि जिस अमित अग्रवाल की बात हो रही है इस पूरे मामले में, जिसमें ऑडियो भी वायरल हुआ था कि राजीव कुमार जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के, कि वो पैसे की मांग कर रहे हैं, लगभग 10 करोड़ रुपए पैसे की मांग हो रहा था, और याचिका को खारिज करने के लिए, वापस लेने के लिए मांग की जा रही थी, वो अमित अग्रवाल आखिर है कौन?